हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं? मैं आशुतोष आप लोग के बीच आज लाया हूँ मैं एडोब फोटोशॉप 7.0 में पासपोर्ट साइज फ़ोटो के पीछे बैकग्राउंड को हम लोग कैसे चेंज करते हैं। बैकग्राउंड चेंज करने का तरीका सीख लीजिए। स्टार्ट में जाएंगे और यहाँ से एडोब फोटोशॉप 7.0 खोल लेंगे। सबसे पहले ध्यान समझना है कि किस तरीका से हम क्या कर रहे हैं, कैसे हम लोग चेंज करेंगे। सबसे पहले फाइल में जाएंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से चूज कर लेंगे फोटो, एक फोटो ले लिए बैकग्राउंड पिक वाला। देखिएगा ये बैकग्राउंड पिक वाला है। सिंपल बैकग्राउंड में तो आसानी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग बैकग्राउंड रहेगा तो आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से क्रॉप में जाएंगे। क्रॉप में करने के बाद यहाँ से यह वो विथ दिया हुआ है, विथ दिया 1.5 इंच, हाइट रखिएगा 2 इंच और रेजुलेशन रखिएगा 300। मेरा पहले से डाला हुआ है। सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, इसको क्रॉप कर देंगे। क्रॉप कितने दूर में हम लोग को इसको काटना है, यहाँ से क्रॉप कर लिए। यहाँ से इसको क्रॉप ले लिए और यहाँ से लेने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, इंटर मार देंगे, कट गया। इसको बाद मूव टूल पर क्लिक करके रखना है, इसके बाद मैक्सिमाइज करेंगे। ये आपका टूल है, टूल दिख रहा है, यहाँ से राइट क्लिक करके चूज कीजिएगा पॉलीगोन लासो टूल। हम लोग कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से कीजिएगा। बैकग्राउंड यहाँ से क्या कीजिएगा, कंट्रोल प्लस कीजिएगा तो थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाएगा। और यहाँ से सबसे पहले इसको यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा और यहाँ से आराम से एकदम अपने माध्यम से इसको काटिएगा कि कहीं भी अच्छा से काटना सीखिएगा। किस तरीके से माउस का पॉइंटर को ड्रैग करें, कहीं भी अगर गड़बड़ होता है तो बैक स्पेस से पीछे भी आ सकते हैं। ले लिए और एकदम अच्छा से काटिएगा, कहीं भी कम बेसी मत कीजिएगा। और यहाँ से इसको आसानी से जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे मिलाना भी है। वहीं से इसको जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद सेलेक्ट में जाना है और सेलेक्ट में जाने के बाद फेदर करना है। फेदर में जाने के बाद यहाँ से 2 डालना है, इसमें फेदर एडिट में 2 कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद मूव टूल पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ से दिख रहा है नीचे वाला को सेट बैकग्राउंड कलर बोलते हैं, इसका कैसा कलर करना चाहते हैं, रेड हो गया या स्काई ब्लू हो गया, जैसा करना चाहते हैं यहाँ से वैसा करके ओके कर दीजिएगा और डिलीट बटन का प्रयोग कीजिएगा। देखिएगा चेंज हो गया। सेलेक्ट में जाने के बाद डिसलेक्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ से कंट्रोल माइनस कीजिएगा और यहाँ से मैक्सिमाइज था, इसको मैक्सिमाइज को फिर कर लेते हैं। पहले ऐसा आ गया। अब फाइल में जाएंगे
न्यू पेज पे क्लिक करेंगे, पेज का साइज चूज कर लेंगे क्योंकि हमको प्रिंटर में A4 साइज लगा हुआ है, तो A4 साइज पे क्लिक कर देंगे और A4 क्लिक पर ओके कर देंगे। A4 साइज में चाहते हैं पूरा पिक्चर लाना, और यहाँ से इसको ले लेंगे, इधर ड्रैग करेंगे, टाइटल पर क्लिक करके हम लोग इधर उधर कर सकते हैं। उसके बाद अल्ट दबाने, यहाँ से अब हमको चाहते हैं कि इस फोटो को किनारे किनारे स्ट्रोक लगाए, मैंने कुछ भी किनारे किनारे ब्रो टाइप पर दे, तो यहाँ से दिख रहा है तो ये क्या करेंगे, लेयर बैकग्राउंड दिख रहा है, बैकग्राउंड दिख रहा है ना, बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिएगा, इसको अनलॉक कीजिएगा, डबल क्लिक कीजिएगा और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब यहाँ से एडिट में जाएंगे और स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से कोई भी कलर मान लीजिए रेड देना चाहते हैं रेड कर दीजिएगा, ब्लू करना चाहते हैं ब्लू कर दीजिएगा, रेड कर दीजिएगा, यहाँ से इसमें 5 कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। देखिएगा किनारे किनारे रेड लग गया, मूव टूल पर क्लिक है। अब उसके बाद अल्ट दबाने के बाद यहाँ से ड्रैग कीजिएगा, अब इसको यहाँ से लान के यहाँ से सेट आसानी से कर सकते हैं, सेट कर देंगे। और यहाँ से अल्ट दबाने के बाद यहाँ से इसको सेट रखिएगा, अल्ट दबाने के बाद यहाँ से इसको ड्रैग कीजिएगा, इतना जगह भी छोड़िएगा, यहाँ से और यहाँ से ऐसे बैठा दीजिएगा, यहाँ से हो गया। उसके बाद हम चाहते हैं कि साथ में सारा फोटो नीचे आए, तो कैसे लाएंगे, लेयर में जाएंगे और यहाँ से लिखा हुआ नीचे मर्ज वेजिबल क्लिक करेंगे, और अल्ट दबाने के बाद यहाँ से ड्रैग करेंगे। देखिए कि साथ में फोटो हम लोग ला सकते हैं आसानी से, फिर यहाँ से अल्ट दबाकर यहाँ से ऐसे खींचिएगा, फिर यहाँ से अल्ट दबाने के बाद यहाँ से ऐसे खींच के ला सकते हैं, फिर अल्ट दबाने के बाद यहाँ से इस तरीके से ला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपका फोटोशॉप में किस तरीक़े से हम लोग ला सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।